हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में बढ़ेगी पाबंदियां, 10 मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक कोविड पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम लोगों के साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बताया है कि राज्य के 10 मंत्री कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। पवार ने कहा कि मंत्रियों के अलावा राज्य के 20 से अधिक विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में इसी तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते गए तो राज्य सरकार सूबे में और अधिक पाबंदियां लगा सकती है। महाराष्ट्र के नगर विकास राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे, ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर केसी पाडवी, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़, बाला साहेब थोराट और यशोमती ठाकुर समेत कुल 10 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 8,067 नए मामले आए, जो एक दिन पहले के मुकाबले करीब 50% अधिक है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 8 मरीजों की मौत हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नए मामलों में 4 ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज भी शामिल हैं। राज्य में गुरुवार को कुल 5,368 मामले आए थे। विभाग ने बताया कि शुक्रवार को कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमण के 4 मामलों की पुष्टि है। उन्होंने बताया कि इन 4 मामलों में एक एक मरीज वसई विरार, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर और पनवेल के हैं। जागरूक टीवी की मुंबई से खास रिपोर्ट।